एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके अलावा आपको देंगे 5 स्टॉक्स के रिकमेंडेशन और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 22,850 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 22,780 का है। पहला रेजिस्टेंस है 23,080 और दूसरा रेजिस्टेंस है 23,150। चलिए इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करते हैं, जिसमें कि इंट्राडे का पहला सपोर्ट लेवल है 48,500। दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो है 48,300। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 49,300 और दूसरा रेजिस्टेंस है 49,550। अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और होल्डिंग पीरियड होगा इन स्टॉक्स का 7 to 10 डेज। सबसे पहले भारती एयरटेल बुलिश ट्रेंड है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं 1389 पर। स्टॉप लॉस 1354 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 1425 और दूसरा टारगेट 1458। नेक्स्ट इज एबी कैपिटल, यहाँ पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नजर आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 229 पर। स्टॉप लॉस 218, पहला टारगेट 240 और दूसरा टारगेट 252 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज IGL, यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 460 पर। स्टॉप लॉस 443 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 477 और दूसरा टारगेट 495। नेक्स्ट इज PTC, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 232 पर। स्टॉप लॉस 225, पहला टारगेट 239 और दूसरा टारगेट 245 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज बलरामपुर चीनी, यहाँ पर वॉल्यूम स्पॉट है, बाय कर सकते हैं 389 पर। स्टॉप लॉस 373 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 405 और दूसरा टारगेट 420। इसके अलावा जो कॉल्स हमने आपको रेकमेंड किए थे उनकी बात करें तो शोभा वेंट अप 4%, फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया है। चलिए अब देखते हैं स्टॉक्स एंड न्यूज, जिसमें आज बात करेंगे सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की, बोरोसिल लिमिटेड की और साथ ही एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड की। सबसे पहले सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के Q4 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 9.1% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। रेवेन्यू ग्रो हुआ है एट 14.4% ईयर ऑन ईयर टू ₹961.3 करोड़। एबिटा 5% से बढ़ा है। इसके अलावा मार्जिन डिक्रीज हुआ है From 59.2% to 54.4% year on year. Next is Borosil Limited. Q4 result की बात करें तो net profit ने witness किया है a jump of 61.3% year on year to ₹5 crore. Revenue ने increase देखा है of 29.7% year on year. EBITDA भी grow हुआ है by 70.5% year on year. Margin improve होता नजर आ रहा है from 6.4% to 8.3% year on year. इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड की Q4 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बढ़ा बाय 299% ईयर ऑन ईयर, रीचिंग ₹54.4 करोड़। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ बाय 37% ईयर ऑन ईयर। एबिटा बढ़ा है 135% ईयर ऑन ईयर एंड मार्जिन एट 22.8% वर्सेस 13.3% ईयर ऑन ईयर। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।